Hello, Assalamualaikum. How are you all? I hope you all are having a great day. Welcome to Learn with QB. Today we are going to talk about present perfect tense. ये क्या होता है? आज मैं आपको सबसे पहले इसके ना grammatical structure के बारे में बताऊंगी, फिर उसकी identification के बारे में बताऊंगी कि आप इसकी पहचान कैसे करेंगे, और सबसे important बात, ये जो आपको confusion होती है ना, ये past simple tense के अंदर और ये present perfect tense के अंदर, वो भी मैं आपको आज आपकी confusion या आपकी दूर कर दूंगी, ठीक है? सबसे पहले grammatical structure. यहाँ पे सबसे पहले आएगा subject, plus आएगा has या have, ठीक है? प्लस आएगा यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल. अब पास्ट पार्टिसिपल क्या है? मीन ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. थर्ड फॉर्म के साथ मोस्टली ईडी लगेगा, ठीक है? अच्छा, ये हैज कहाँ पे लगेगा और हैव कहाँ पे लगेगा? जो होंगे सिंगुलर्स, जिस तरह से हम लोग कहते हैं शी, ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नेम, इसके साथ लगेगा हैज. अगर होंगे प्लूरल या फिर आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? हैव. For example, she has completed her homework. अब she क्या है? Subject है. अब ये हमने, क्योंकि ये singular था ना, इसलिए हमने इसके according क्या किया? Has लगाया है. She has complete होता है मुकम्मल करना, तो हमने completed ed लगाया है. It means ये past participle है. अच्छा, जब हमें इसका negative बनाना होगा, उसके लिए हम लोग not का use करेंगे. कहाँ पे? Has या have के बाद. अब she has completed her homework, यहाँ पे आएगा she has not completed her homework. जब हम इस, क्योंकि हमने ये has के बाद not लगा दिया है, जब हम इसका interrogative बनाएंगे, ये जो has या have होगा, इसको हम sentence के start में लेके आ जाएंगे, फिर क्या बनेगा? Has she completed her homework? I के साथ क्या होगा? I के साथ have आएगा, ठीक है? I have taken tea, मैं चाय पी चुकी हूँ. अगर होगा दे के साथ क्या करेंगे? दे हैव टेकन टी, वो चाय पी चुके हैं. अगर होगा वी के साथ भी हैव आएगा, वी हैव टेकन टी, हम चाय पी चुके हैं, ठीक है? अब आई हैव नॉट टेकन टी, हम लोग ना जिस तरह से बात करते हैं बातचीत में, बोलचाल में, इसको हम कंट्रैक्शन में भी यूज कर देते हैं. जिस तरह से आई हैव नॉट को आई हैवंट बोल देते हैं, ठीक है? दे हैवंट बोल देते हैं. ये राइटिंग में ये ज़्यादा कंट्रैक्शन यूज नहीं होती, बट बातचीत में हम लोग क्या करते हैं, ये कंट्रैक्शन यूज करते हैं. हैव नॉट को हैवंट बोल दिया जाता है. आई हैवंट टेकन टी, दे हैवंट टेकन टी, ठीक है? अच्छा, जब इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे? हैव आई टेकन टी, हैव दे टेकन टी, हैव वी टेकन टी, गॉट इट? अच्छा, अब आते हैं कि इसकी पहचान क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन क्या होगी इसकी, हाउ टू आइडेंटिफाई. अब आपने क्या करना है, जिस तरह से उर्दू में तो आपको, उर्दू हिंदी में आपको ना मैं इसकी पहचान बता देती हूँ, ये है चुका है, चुकी है, चुके हैं, गॉट इट? बट अगर एक सेंटेंस आया हुआ है, उसमें आपने कैसे पहचान करनी? इंग्लिश में टेस्ट था, उसमें सेंटेंस आया हुआ है, आपने ये बताना है ये कौन सा टेंस है. फिर आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले आपने ये देखना है वहाँ पे होगा हैज और हैव का वर्ड, हैज हैव यूज किया हुआ होगा, ठीक है? फिर क्या होगा? फिर होगी वहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, मीन के थर्ड फॉर्म यूज की हुई होगी, उससे भी आपको पता चल जाएगा. अच्छा, एक और निशानी भी होती है वहाँ पे, सिग्नल वर्ड्स भी होते हैं टाइम एक्सप्रेशन के ना, जिस तरह से येट, already, recently, ever, ठीक है? ये वाले जो वर्ड्स अगर आए हुए हैं तो इट मीन्स क्या है ये, वो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है? जैसे आई हैव ऑलरेडी टेकन टी, ठीक है? या आई जस्ट भी आएगा यहाँ पे. आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई मील, ठीक है? अभी अभी खाना खाया है, अभी अभी ये खाना ख़त्म किया है, अभी अभी होमवर्क ख़त्म किया है, अभी अभी चाय पी है. तो इस तरह के भी सेंटेंसेस आएंगे तो भी आपके लिए सिग्नल्स होंगे कि हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है? आपने और क्या करना है, आपने कंटेक्स्ट को देखना है कि किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया है. आपने गौर से अपने ना ट्रांसलेट कर लें, अपने अपनी अपनी ज़बान में सोच लें कि इसका क्या मतलब होगा, ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? अगर ये कोई एक पास्ट एक्शन है जो हुआ तो पास्ट में है, बट ये रेलेवेंस है प्रेजेंट के साथ, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा. और ये बेसिकल एक चीज़ आपको बता दूँ, अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए होगा. यहाँ पे वो स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं होगा कि हाँ, उसने कितने बजे ये काम मुकम्मल किया है, ठीक है? स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं होगा, अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए होगा. तो ये सारी की सारी पहचान है, इसकी निशानियाँ हैं, आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो. वट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? Present perfect tense is used to describe the things that happened in past, but they are still relevant to the present. ठीक है? मतलब हुई तो माजी में है, but इनका connection है present के साथ. किस तरह से? अब I have lived in Lahore for 3 years. इसका क्या मतलब है? It means I moved
इन पास्ट, ठीक है, मैं लाहौर मूव हुई हूँ पास्ट में, माजी में, बट इट मीन्स आई एम स्टिल इन लाहौर, ठीक है, इसलिए मैंने ये आई हैव कहा है, ठीक है, ये मतलब पास्ट एक्शन था मेरा, यहाँ पे मेरा मूव होना लाहौर में, लेकिन मैं यहाँ पे रह रही हूँ, तो ये मेरे उसके साथ प्रेजेंट के साथ रेलेवेंट है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। अच्छा, मैंने यहाँ पे आई लिव इन लाहौर क्यों नहीं लिखा, वो इस वजह से कि मैंने आपको पीछे बताया था कि ये परमानेंट जो सिचुएशंस होती हैं, परमानेंट एक्शन होते हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। अगर मैं शुरू से ही लाहौर में रह रही होती तो मैं कहती आई लिव इन लाहौर। अच्छा, एक और एग्जांपल देखें, आई हैव वर्क एज अ टीचर इन 3 different schools। अब ये तो मेरा पास्ट का एक्शन था ना, मैंने 3 different schools में एज अ टीचर काम किया है, ठीक है, पास्ट में ही किया, अभी अभी तो नहीं किया, बट ये स्टिल रेलिवेंट कैसे है मेरे प्रेजेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं पे इंटरव्यू के लिए गई हुई हूँ, ठीक है, तो अब मैंने उन्हें बताया है कि आई हैव वर्क इन 3 different schools, ठीक है, किस लिए बताया है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, हुआ एक्शन तो पास में हुआ, बट ये मेरा अब ये टीचिंग का एक्सपीरियंस कंसीडर हुआ है, ये मेरा इसलिए ये रेलेवेंट है प्रेजेंट के साथ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज़ ब्रोकन हर फोन, इट्स मीन्स ये, अच्छा ये माजी में काम हो गया है उसके फोन के टूटने का ना, तो अब ये प्रेजेंट में रेलेवेंट कैसे है, क्योंकि हर फोन इज स्टिल ब्रोकन, ठीक है, उसका फोन अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अच्छा, हम किसी की लाइफ के एक्सपीरियंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, दे हैव विजिटेड कनाडा ट्वाइस, ठीक है, वो 2 बार गए हैं कनाडा, अब स्पेसिफिक टाइम नहीं मेंशन किया गया कि वो कब गए हैं, किस ईयर में गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर रिसेंट कोई पास्ट एक्शन है उसके लिए भी हम लोग ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय मील, ठीक है, मैंने अभी अपना खाना खत्म किया है, ओके, या ही हैज़ रिसेंटली मूव टू द न्यू अपार्टमेंट, मैंने आपको पीछे पहचान में बताया था ना, रिसेंटली भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, एवर, रिसेंटली, ये सारे किस, येट, ये सारी निशानियां हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज आल्सो यूज टू टॉक अबाउट सम इवेंट और न्यूज़, फॉर एग्जाम्पल, हैव यू हर्ड अबाउट द न्यू रेस्टोरेंट इन द टाउन, हैव यू हर्ड मीन क्या तुमने सुना है, क्या आपने सुना है, ठीक है, हम डेली लाइफ में कितने इस तरह के सेंटेंसेज यूज करते हैं ना। चले अब क्विज टाइम, शी डैश टू जापान ट्वाइस, ऑप्शन आर हैज बीन, हैव बीन और वेंट, अब यहाँ पे क्या आएगा, शी है, शी के साथ हैज बीन आएगा, शी हैज बीन टू जापान ट्वाइस। नेक्स्ट इज दे डैश देयर एग्जाम येट, हैवंट फिनिश्ड, डिडंट फिनिश्ड, अब देखें हैव नॉट आया हुआ है, हैव नॉट फिनिश्ड, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, Did not finish. अब इसमें से क्या आएगा, जल्दी बताएं। अब हमने एक सेंटेंस देखा ना, सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कोई सिग्नल वर्ड तो नहीं आया हुआ हमारे पास, आया हुआ है, ये जो येट आया हुआ है ना, ये हमारे पास सिग्नल है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसके लिए हम या क्या करते होते हैं, हैव नॉट या हैज नॉट होता है, तो उधर से क्या है, सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे के साथ तो हैव नॉट आता होता है, ठीक है, ही शी इट होता तो हैज नॉट आता, ठीक है, ये हो गया, दे हैवंट आएगा, दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर एग्जाम येट। नेक्स्ट इज ही डैश अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन हिज लाइफ, ऑप्शन आर मेड और हैज मेड, ये ना काफी कंफ्यूजिंग है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला, अब उसने ये तो उसका पास्ट एक्शन है ना, उसने प्रोग्रेस तो बना लिया, काफी इसकी प्रोग्रेस हो चुकी है, तो अब क्या आएगा, ये यहाँ पे हैज मेड आएगा, क्यों, क्योंकि इन हिज लाइफ है ना, तो उसकी लाइफ अभी खत्म तो नहीं हुई है ना, ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, हमने ये, इसके लिए हम हैज मेड यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट इज हैव दे डैश द डॉक्यूमेंट, ऑप्शंस आर साइन और हैव साइंड, और नेक्स्ट है साइंड, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हैव दे हैव साइंड, नहीं यहाँ पे आएगा हैव दे साइंड, थर्ड फॉर्म आएगी ना, पास्ट पार्टिसिपल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश यू फिनिश योर असाइनमेंट येट, ऑप्शंस आर डिड और हैव, मीन डिड यू फिनिश योर असाइनमेंट येट या हैव यू फिनिश योर असाइनमेंट येट, क्या आएगा, अब आपने गौर से देखना, अब ये येट आया हुआ है, इट मीन्स कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो अब यहाँ पे हैव यू, अच्छा और थर्ड फॉर्म भी आई हुई है, डिड के बाद थर्ड फॉर्म तो नहीं आती होती ना, हैव यू आएगा। नेक्स्ट इज शी डैश नॉट सीन दैट मूवी, हैज और हैव, थर्ड पर्सन सिंगुलर है शी, तो इसके साथ हैज आएगा, शी हैज नॉट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आई डैश नॉट सीन हिम टुडे, डिड या हैव, क्या आएगा, आई डिड नॉट सीन हिम टुडे या आई हैव नॉट सीन हिम टुडे, अब डिड तो पास्ट एक्शन के लिए यूज होता है ना, तो टुडे की बात है, आज की बात हो रही है, तो ये हैव नॉट आएगा,
ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सीन भी तो आया हुआ ना, थर्ड वो है पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पे आई हैव नॉट सीन हिम टुडे आएगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो अभी आपने सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना है। सी यू लेटर।